कैसे हैं बाल दोस्तों। आज हम हिंदी में पाठ एक पत्र एवं डायरी इस बात पर चर्चा करेंगे। इस समय तो मोबाइल का युग है। हम कोई भी अपनी बात कहनी हो या भेजनी हो तो हम मोबाइल में मैसेज से या व्हाट्सएप द्वारा भेज सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच भी ईमेल और दूसरा कुछ भी रहता है। ईमेल के अंदर भी हमें लिखना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मानो ईमेल में सारा पत्र ही लिख डाला। तो आज हमें जो बात करनी है वो पत्र किस तरह लिखा जाता है उनके बारे में बात करनी है, क्योंकि पत्र हमारे लिए एक बहुत ही महत्व की बात है। क्योंकि हम पत्र के द्वारा अपने बात इसको विस्तार से हम सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं। इसलिए पत्र किस तरह और कैसे लिखा जाता है यह हमें समझना हो तो हमें अलग अलग प्रकार के पत्र पढ़ने चाहिए, जिससे हमें मालूम होता है कि पत्र कैसे लिखा जाए। इसके पहले मैं पत्र लिखने के सामान्य नियम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पत्र के ऊपर बाईं ओर हमें अपना पूरा पता और दिनांक यानी कि तारीख सबसे पहले लिखनी होती है। इसके बाद हमें जिसको पत्र लिखना है उसको संबोधन करना है। उसके बाद हमें जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा विवरण करके हमें जो बात कहनी है उसका शॉर्ट रूप में, पर सामने वाला व्यक्ति अच्छी तरह से समझ सके इस भाषा में हमें अपनी बात उसको समझानी है। उसके बाद हमें पत्र में अपनी बात खत्म करके नीचे अपना नाम लिखना है और उसमें हमें अपना संबोधन भी करना है। हम सामने वाले व्यक्ति को संबोधन करें तब वह हमारे से छोटा या हमारे जैसा हो तो हम तुम या तुम्हारा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी व्यक्ति हो तो हमें सम्मान से उनका आपसे संबोधन करना चाहिए। अब हम इस पाठ में दिए गए किसी जो अलग अलग पत्र है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला निमंत्रण पत्र है। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। आपका मित्र हो और उसको आपको निमंत्रण देना हो तो उसके लिए ये पत्र। तो अब हम सबसे पहले निमंत्रण पत्र जो हमें दिया गया है वह पढ़ते हैं। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए के निमंत्रण पत्र। सबसे पहले अपना पता लिखा गया है, न्यू बुधनगर सोसाइटी लिंबायत सूरत। वहाँ से 8 अगस्त 2011 को पत्र लिखा है। तो सबसे पहले सामने वाले मित्र का हमने संबोधन किया है, प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे, बिपिन, साजिद, प्रशांत, सोनिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर भी तुम जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर प्रणाम, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारा मित्र साहिल शाह। यह इस तरह हम कोई भी निमंत्रण देना हो तो इस तरह हम पत्र लिख सकते हैं। अब हमें निमंत्रण तो मिला, लेकिन हम अगर
वह जगह जा नहीं सके तो हमें उसको बधाई तो देनी ही चाहिए। तो अगर हम न जा सकते हो तो बधाई पत्र किस तरह लिखते हैं वह देखिए। जो अब सामने वाला मित्र सालगिरह पर बधाई पत्र लिखता है, तो पहले अपना पूरा पता लिखता है, शांति सदन रावपुरा बड़ौदा, दिनांक 10 अगस्त 2011। अब वह पत्र पढ़ते हैं। प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण, कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी, इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे आ मिलूं? मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूं और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो, इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं? मैं तो चाहता हूं कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियां मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। इस तरह हमने 2 पत्र पढ़े। अब तीसरा पत्र है, आश्वासन पत्र जिसे कहते हैं। तो वह किस तरह लिखा जाता है? तो यहाँ पर एक आश्वासन पत्र भी दिया गया है, जो तुम्हारी सखी है, सखी यानी बहन पणी, और वह खेल महाकुंभ में भाग लिया है और उसमें वह असफल रही, उसके लिए आपने पत्र लिखा है। सबसे पहले अपना पता, मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, यहाँ उसने उसका पता लिखा है। अगर हम अपना पत्र लिख रहे तो हमें यहाँ अपना पूरा पता लिखना है। फिर जिस दिन हम पत्र लिख रहे हो उसकी दिनांक 17 नवंबर 2011, यह हमें यहाँ लिखनी है। अब पत्र शुरू होता है। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम श्रुति, आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ है कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हम तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब तो जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस सफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। इस तरह हमें आश्वासन पत्र भी लिख सकते हैं। अब आता है अनुमति पत्र। हमें किसी के पास से अनुमति यानी कि आज्ञा चाहिए, तो उसके बारे में जो पत्र है उसका भी यहाँ एक पत्र दिया गया है। आपको प्रवास में जाना है, उसके लिए आपको अपने पिता से अनुमति मांगनी है, उसका एक पत्र मिला है। सबसे पहले आप अपना पता लिखते हैं। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 नवंबर 2011। क्यों आपने पत्र लिखा? क्योंकि आप बाहर गाम रहते हैं, इसलिए आपको पिताजी की अनुमति लेनी चाहिए, इसलिए आपको पत्र लिखना पड़ता है। अब पत्र की शुरुआत होती है। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, आपका पत्र मिला। सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई।
आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये या मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार, आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। तो इस तरह हमें यहाँ अनुमति पत्र दिया गया है। अब हम देखते हैं प्रार्थना पत्र। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। आपको छुट्टी चाहिए, इसके लिए आपको प्रधान अध्यापक यानी कि आचार्य को पत्र लिखना है। सबसे पहले अपना पता, देसाई फलिया, भावनगर, दिनांक 30 फरवरी 2011 में। सेवा में श्री आचार्य महोदय, डीए सार्वजनिक विद्यालय, भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका एकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी में कितनी धूम रहती है इससे तो आप अनजान नहीं है। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना के इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदा आपका कृतज्ञ रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8A। इस तरह प्रार्थना पत्र लिखा गया है। अब है कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र यानी कि आपको किसी भी कार्यालय में पत्र लिखना हो तो किस तरह लिखा जाता है उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। आपके मोहल्ले के आसपास गंदगी है तो आपको स्वास्थ्य अधिकारी को जो पत्र लिखना है वो किस तरह लिखा जाता है यह यहाँ पर लिखा है। तारीख 20 मई 2011। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है, पास के कूड़ेदान में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई म परमार, गायत्री मोहल्ला, बड़ौदा। इस तरह कार्यालय पत्र। अब है व्यावसायिक पत्र। आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हो और उसमें आपको किसी अगले दुकानदार को या अपने किसी मित्र व्यवसायी को व्यवसाय के बारे में कुछ पत्र लिखना है, कुछ मंगाना है, कुछ भेजना है, तो वह किस तरह लिखा जाता है यह हमें यहाँ बताया गया है। बताने के लिए एक पत्र दिया गया है। तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। पहलू नन्हा कोश, लेखक श्री धरतीलाल नायक। दूसरा नालंदा विशाल शब्द सागर, लेखक नवल जी। तीसरा बृहद हिंदी शब्दकोश, लेखक डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा या डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। चौथा साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश, लेखक श्री हरिवंश राय शर्मा। कृपया
उपरोक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP यानी कि वैल्यू पेएबल पोस्ट से भेजे। भवदीय प्रीति शाह, शांति भवन, MG रोड, राजकोट। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह यहाँ पर हमें अलग अलग तरीके के पत्र दिए गए हैं और यह पत्र का अभ्यास करके हम अपने अब किस तरह का पत्र लिखना है उसके आधार पर से हम पत्र लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत मुहावरा करने से सबको अच्छी तरह से पत्र लिखना आ जाता है। जिस तरह पत्र अगत्य है, इसलिए इसी ही तरह डायरी लेखन एक बहुत ही आवश्यक चीज है। डायरी लेखन यानी कि आज आप हमारे जीवन में जो जो कुछ अगत्य की घटना होती है वह हम एक नोट में लिखे, उसको डायरी लेखन कहते हैं। डायरी लेखन को हिंदी में डायरी अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में उसे दैनंदिनी भी कहा जाता है या तो दैनिकी भी कहा जाता है। डायरी लिखने से हमें हमारा भूतकाल की कई बातें है वो हमें हमेशा याद रहती है। देखो ना, हम डायरी नहीं लिखते तो कई बार ऐसा होता है कि हम अगले दिनों में कुछ घटनाएं हुई होती है वह भूल जाते हैं। तो अगर हमने डायरी में वह लिख लिया होता तो हम वह पढ़कर हमें वह फिर याद आ जाती है। इसलिए डायरी हमारे जीवन का एक अच्छी बात है। और उसके भी अलावा अगर हम डायरी लिखे तो हमें यह भी पता चलता है कि दिन भर में हमने कोई काम गलत किया या हमसे कोई काम छूट गया, करने का रह गया, ये सब हमें मालूम हो जाता है। इसलिए डायरी लिखना बहुत आवश्यक होता है। डायरी लिखने से हमें यह भी पता चलता है कि हमें अपने जीवन में कौन कौन से सुधार करना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में अभी कितनी कठिनाइयां पार करनी है, हमें अपना आयोजन किस तरह बनाना चाहिए, यह सब हमें डायरी से पता चल सकता है। इसलिए डायरी लेखन एक बहुत आवश्यक चीज है। यहाँ हमें डायरी लेखन पे भी कई उदाहरण दिए गए हैं। उनमें से पहला है, अपने लिए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। आप विद्यालय यानी कि स्कूल में जब पहले ही दिन गए हो उस दिन का आपको लेखन करना है। आपकी साल आप दूसरी शाला में एडमिशन लेते हैं और वहाँ जब पहले दिन गए तो कैसा हुआ, वह डायरी लेखन में आप किस तरह लिख सकते हैं, इसका यहाँ विवरण दिया गया है। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श विद्यालय में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं ये नए विद्यालय में आ गया हूँ। यह है अपने विद्यालय में पहले दिन का डायरी लेखन। अब हमें एक दूसरा भी दिया गया है कि वार्षिक परीक्षा के दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। 5 अप्रैल 2012, राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि का 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक
पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी की चले जाने पर टेबल लैंप चलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, इस तरह हमें पत्र लिखना भी किस तरह है और डायरी लेखन भी किस तरह करना चाहिए, ये सब हमें इनमें से सीखना चाहिए। और हमें यह एक प्रतिज्ञा भी करनी चाहिए कि हम अवश्य अपनी डायरी लिखेंगे, क्योंकि डायरी लिखने से हमारे कई बुरी आदत हो तो वह छूट सकती है। हमारा समय कई जो फालतू की चीज़ है उसमें बर्बाद हो रहा है तो हमें जान पड़ता है और हम उसमें सुधार कर सकते हैं। इसलिए डायरी लेखन बहुत अगत्य की बात है। अगर हमारा स्वभाव में कोई सुधार करने की बात है तो हम डायरी लेखन में से वह भी कर सकते हैं। इस तरह डायरी लेखन भी एक अति आवश्यक बात है जो हमें अपने जीवन में सीखनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस तरह हमने पहले पाठ का समझ मिली तो उसके आधार पर से हमें इस पाठ के प्रश्न जवाब को लिखना है। पहले आप अपने तरह से प्रश्न का उत्तर खोजने की प्रयास करें, बाद में जब आपको PDF मिले तब वह सारे प्रश्न जवाब अपनी पक्की बुक में नोंद लेना।